ऐसे गांव से आते हैं जहां से बहुत कम लोग निकल पाए। उन विषम परिस्थितियों के बीच मैंने पढ़ाई की, सरकार का जो मानक है बेसिक में चयन होने का उसको क्वालिफाई किया, सरकार ने हमारा चयन किया, लेकिन हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई। 5 जनवरी 2022 की हमारी लिस्ट है, उस लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, बीजेपी कार्यालय, उप मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी पार्टी का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहां हम नहीं गए हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है। हमें केवल ठोकरें मिली हैं, हमें केवल गालियां मिली हैं, धक्के मिले हैं, अपमान मिला है। हमारे त्यौहार, हमारी खुशियाँ, हमारा जीवन अंधकार में डूब गया है। जो सपने हमारे थे कि हम शिक्षक बनेंगे, भविष्य का निर्माण करेंगे, एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हमारे सपनों को इको गार्डन में कुचल दिया गया है। यानी मोदी जी, पिछड़ों की बात करना आसान है, आप बताते हैं संवैधानिक दर्जा हमने दे दिया है, अब पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होगा। उसी आयोग ने रिपोर्ट दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया है। मैं आपको आज गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अभावुक हूँ इस बात से कि आज हमारी मुलाकात माननीय राहुल गांधी जी से हुई। अभिभूत हूँ और उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि बड़े भैया हमारी आवाज़ बनेंगे।